वेलकम टू फोर सीजन ट्रिक्स। आज हम बात करेंगे सर्कुलेशन पंप की, वो कैसे काम करता है और उसका कंट्रोल कैसे होता है। ये बहुत इजी है एक्चुअली। सर्कुलेशन पंप के लिए ये इसका पैनल है और हम इसे ओपन किए और यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब टाइमर लगा हुआ है और ये एक ब्रेकर है, दो पंप है। यहाँ पे टाइमर के थ्रू 12 घंटा 12 घंटा या जैसे आप 6-6 घंटा या 3-3 घंटा एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप टाइमर सेट कर सकते हैं। और उसके बाद ये कंटिन्यू, क्योंकि सर्कुलेशन पंप जो है वो ये सर्कुलेशन पंप है। ये अभी देखो ये लेफ्ट साइड का चल रहा है, पंप नंबर 2 वो चल रहा है। उसके बाद कुछ देर के बाद पंप नंबर 1 चलेगा। तो एक्चुअली क्या है, ये कंटिन्यू चलता है तो इसके लिए टाइमर इस पर काम करता है। क्योंकि अगर टाइमर नहीं लगाएंगे, प्रेशर स्विच लगाएंगे तो ये ऑन ऑफ होता रहेगा। तो सर्कुलेशन जो भी पंप कंटिन्यू चलता है उसके लिए हम टाइमर यूज़ कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप टाइमर यूज़ कर सकते हैं, उसमें टाइमर सेट कर सकते हैं। अगर ये कंटिन्यू नहीं चलता तो हम इसे प्रेशर स्विच से ऑपरेट कर सकते थे। तो आज की बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर करना था आप लोगों के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सपोर्ट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।